सिंध की सामूरी पट्टी तक तूफान खतरो टी वो सामूरी तूफान जो रुख बलोचिस्तान तरफ थी वो मौसमियात खाते मूजिब सामूरी तूफान सिंध की सामूरी पट्टी का परे थी वो तूफान अरबी समुंड के उत्तर ओभर में मौजूद है जो ओलह तरफ वही रो है। तूफान कराची के दखण ओलह का अटकल 230 किलोमीटर परे है। बलोचिस्तान के सामूरी इलाके और माड़ा का तूफान जो फासलो 180 किलोमीटर जडे त गवादर का 300 किलोमीटर है। तूफान जो कें सामूरी किनारे से टकराए जाने का इम्कान ना है। समुंड में ही कमजोर थी खत्म थियण जो इम्कान है। नॉर्थ बंगाल में हवा जो घट दबाव शिद्दत इख्तियार करे डिप्रेशन में तब्दील थी वो मौसमियात खाते जो चवण है यो सिस्टम भारतीय गुजरात राजस्थान से असरअंदाज इन टिन का चईन ईह में ओभर सिंध से भी असरअंदाज थी सके तो। कराची डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से बरसात कोरंगी सदर गुलशन इकबाल बहादुराबाद शरा फैसल गुरु मंदर इन इलाकों में वसकारे सबब रोडन से पानी भिजी वो गुलिस्तान जोहर सोल्जर बाजार नाजमाबाद साइट एरिया मेट्रोवॉल इन इलाकों में भी मीह। कराची में पंजन ईह दौरान 260 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड मौसमियात खाते अंग अखर जारी कर छाया सब का वधिक सरजाणी टाउन में 260 मिलीमीटर बरसात वसी गुलशन हदीद में 175 हैदराबाद में 161 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कई वही। खट जिले अंदर बरसात जो सिलसिलो जारी बरसाती सामूरी चार सबब केटी बंदर जहा पंज कोट बुड़ी वाया सामूरी पट्टी बघाण गाढ़ो सजणवारी जूहो धांधारी घोड़ाबारी बुहारा मीरपुर साकड़ो में बरसात केतरन ही गोठन में 51 घर के नुकसान बरसाती पानी बीहण सबब गोठन जो जमीनी राबतो कटी वो। घोड़ाबारी भरपास वाले इलाकों में गोरे जो बरसाती पानी बीठल पीर पिठो लग गोठ गुलाम अहमद नुहानी मुकमल तौर से बुड़ी वो केतरा ही घर रही पाया गोठाना बेयारो मददगार वेठल वाहर की अपील तेज हवान सबब बिजली जो तारू किरण के नतीजे में पीर पिठो वर्षियर गुलामला समेत 200 का वधिक गोठन की बिजली भी बंद थी वही। जातीय भरपास वाले इलाकों में तेज बरसाती हवाओं सबब 40 का वधिक घर डही पट पी वाया यूसी मुगल भीन के गोठ लोंग अबड़ो में 40 घर डही पाया केतरा ही मुतासर बेयारो मददगार खुले आसमान हेठ वेठल। डनोमस्ती और भरपास वाले इलाकों में बरसात सबब घर के नुकसान गोठ मिटली में घर की भित किरण के नतीजे में एक गोठानो फौत हो गोठानो मोहम्मद शरीफ आजानो भित किरण सबब जख्मी थो जैसे सिविल अस्पताल खैरपुर में आंदो वो उते हु फौत थी पाया। जाबलू इलाकन काछे में तेज बरसात का पोए मुख्तलिफ नयन जो पानी मंछर ढंड में दाखिल थी वो मंछर में पानी की सतह में 116 फुट 4 इंच ताई बाद अची पई बलोचिस्तान का ईंदड़ पानी सब मंछर में वधिक चार जो इम्कान आपाचे खाते मूजिब रोजाना 5000 क्यूसिक पानी मंछर में छोड़ कर पे वे मंछर में 130 फुटन ताई पानी की गुंजाइश मौजूद है। ईंदड़ पानी में मंछर के को भी खतरो ना है पानी सिंधु दरिया में छोड़ कर। फरीदाबाद जोही टंडो रहीम खान वाई पंज समेत काचे के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात जो सिलसिलो जारी बलोचिस्तान में ईंदड़ बरसाती पानी कीर्तर जाबलू पट्टी का वही आयल नयन के पानी के रस्तो दियण के लिए आपाशी खाते भी बंद लग रोड के बिन हंधन तक कट दई छो आपाशी खाते मूजिब रोड के बिन हंधन तक कट दिना वह पानी के रस्तो दियण के लिए रोड के कट दिना रोड्स खाते के आगाह पिण किया। कंबरे बर्फास वन इलाकों में बरसात जो तबाहियों गैबी दायरे के खीर से जावलू पट्टी में बरसातों का पोए नयू वही अचण सबब केतरा ही कचा घर डही पट पी वाया गोड़दीनार बुरड़ो शालू आई ढढर समेत केतरन ही गोठन जो गैबी दायरे सा जमीनी राबतो काटा पानी गैबी देरो कंबर रोड के पाण लगो। जोही समेत काछे के जाबलू पट्टी में बरसात का पोए नयू वही अचण कर यूसी वाही पांधी ड्रिघबाला सावड़ो टंडो रहीम खान शाह हसन यूसी खूह मानू जहा सवें गोठ मुकम्मल तौर पानी हेट अची वाया केतरा ही कचा घर डही पट पी वाया नए गाज जो पानी जोही वाही पांधी रोड से टिन हंधन तक पाए वो गोरख रेल स्टेशन ना वींदड़ सियाहन जो जमीनी राबतो कटी वो। बलोचिस्तान में थियल पयल तेज बरसात का पोए पानी के वहकरन सिंध के कंबर शहदादपुर जिले ला रुख कर वरतो पानी झल मक्सी के मुख्तलिफ गोठन के बोड़ींदो कुबे सईद खान टाके में पहुंची वो आरबीओडी सिमनाले में चार सब पानी मुख्तलिफ हंधन ता ओवरटॉप थे लगो।
मंसूर ढंढई एमएनवी ट्रेन बाबत खबरू हलन का सिंधरे वे वजीर सैयद मुराद अली शाह नोटिस वरतो वे वजीर के हुक्म से आबपाशी वो वजीर जाम खान छोरो सहवण वेझो मंसूर ढंढ पहुंची वो बंधन ही पानी की सूरतहाल जो जायजो वरताई एमएनवी ट्रेन के बंधन के मजबूत करण के कम में सुस्त रफ्तारी से अमलदार कावड़ जो इजहार बंधन की मजबूती के लिए कम तेज करण की हिदायत जाम खान शोरे जो चवण है मंसूर ढंढ जहा बंद मजबूत हैं बोर जो को भी खतरो ना है अवाम अफवाह से ध्यान न दिए इंदड़ कुछ डी में सिंधु दरिया में पानी घटती वो मंसूर जो पानी सिंधु दरिया में छोड़ कर दी राइस कैनाल समय सिंध में बंद कयल समूरन कैनाल में पानी की फ्राहमी शुरू कर चली है इम्कानी तेज बरसात ने बोर्ड के खतरे सबब पानी फ्राहमी बंद कई वही हुई तो जी आबादगार के वधिक नुकसान न थिए सिंध हुकूमत के तर्जमान गवर खान इसरान जो चवण है तो कैनाल बंद थियण सबब उन्हें आबादगार के नुकसान थो जिन इलाक़ में बरसात घट पई है हाँ कैनाल में पानी फ्राहमी बहाल कई वही है सिंध हुकूमत आबादगार के मसलन से खास ध्यान दे रही है खोरवा वेझो बहादुर वाके आरडीवी वटा 30 फुट गारो पैजी वो 10 का वधिक गोठ है 900 का वधिक एकड़न ते बीठल सारियालो फसल बुरी वो गोठाणा बिहारो मददगार वेठल पाजी मदद पान त गारो बंद करण में मसलो मुरली शाह करीम भरसा गोठ अली मोहम्मद खोखर वटा कारो गुंगड़ो सिम नाले के 15 फुट गारो पैजी वो सजो गोठ ही सब एकड़न ते बीठल सारियालो फसल बुरी वो केतरा ही घर भी किरी पया बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में बरसात का सिलसिलो जारी केतरा ही घर डही पट पैजी वाया कोयटा मस्तूम गुलान हरनाई ज्यारत बशीन सिबी कोलपर किला सैफुल्ला समेत बेन शहर में बरसात तबाही मचाए सदी किला सैफुल्ला के इलाकन मूसा जई आई कली अख्तर जई में बरसात जो पानी घर अंदर दाखिल थी वो कोयटा के बबार रोड गुलान वे इलाके में पिंजरा पुल वट ट्रैफिक लाइ बंद कोयटा जो सरियाब वो इलाको पानी हेठ अची वो अवाम के रिलीफ दियण के लिए मुल्क के समूरन सियासी पार्टियों गजी फैसला कर घुर्जन पीएमएलएन के सदर तजवीज़ पेश कर छी नवाज शरीफ की सदारत हेठ मुस्लिम लीग की क़यादत जो अहम मुशावरती इजलास बिजली जहाँ महंगा बिल अवाम लाइ बर्दाश्त जोगाना मुल्क के मुआशी बहरान में कड़न अवाम के रिलीफ दियण के लिए समूरी सियासी और हुकूमती क़यादत और इदार के गजी वेही फैसला कर जरूरत है वफाकी और सूबाई हुकूमत पांजन खर्चन में कटौती और बचत करे अवाम के रिलीफ देने के लिए वसीला फराहम कन अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो पार्टी इजलास के खिताब नव मई वाक़े से माफी ताई पीटीआई बानी सा गाल न थी सन पीटीआई बानी का बजोर न वरतो है संदस रड़ी निकली रही एनआरओ चाहे तो पर खेस एनआरओ न मिल पीटीआई बानी के बेरो ही साबित करो पवो बी सूरत में पैं डोह हिसाब दियण पव पार्टी इजलास का वफाक वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गाल बोल चवण है वजीर आजम गुजरियल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कई है बेन अगवाण से भी मिल मुआशी माहिर डॉक्टर खेसर बंगाली टिन हुकूमती कमेटियों का इस्तीफा दई छी संद चवण है टिनी कमेटियों 17 डिवीजन और 50 सरकारी खाता बंद कर तजवीज़ डिनी हुई हुकूमत कमेटियों की तजवीज़ खिलाफ कदम खड़ी रही है खर्चन में घटताई के लिए ऑफिसर बदर नंढन मुलाजमन के कढ़ो पे वे 17 और 22 ग्रेड के ऑफिसर की नौकरियों बचाई पी वन वफाकी हुकूमत एलपीजी 70 रुपया फी किलो महंगी कर छी ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर छो नोटिफिकेशन मूजिब एलपीजी जो नव अघ 244 रुपया फी किलो मुकर्र वो नव अघ 1 सेप्टेंबर का लागू थी कराची के कारसाज हादसे वाले केस में जवाबदार औरत नताशा से एक बो केस दाखिल अदालत नताशा के मुनशियात केस में गिरफ्तार करने की इजाजत दई छी मकामी अदालत सीनियर सुप्रिटेंडेंट विमन जेल के हुक्म जारी कर छो अदालत जो चवण है डॉक्टर जैनब अरशद फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट जारी कई है रिपोर्ट में जवाबदार औरत के जिस्म में आईज की तस्दीक की है जांच ऑफिसर के गिरफ्तारी और जांच जो मुकम्मल अख्तियार हासिल है
रांधी के कच्छ में धाड़ल हथियार शहीद थी वेल आवास टीवी के रिपोर्टर और सीनियर सहाफी मोहम्मद बचल घुनियो के कत्ल के पंज ी गुजरी वन बावजूद खून से इंसाफ न थो केस में नामजद पंज जवाबदार रुगो एक जवाबदार गिरफ्तार थी सको सहाफी सरापा एहतजाज मुख्तलिफ शहर में एहतजाज सिलसिलो जारी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बांग्लादेश खिलाफ पहली इनिंग्स में 274 रनसन से ढेर थी वही। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शेंटो टॉस खटे पैरों बॉलिंग जो फैसलो कयो। साइम अयूब 58, शान मसूद 57, सलमान अली आगवा 54 रनसू ठाए नुमाया रो। मेहदी हसन पाकिस्तानी टीम के 5 रांदीगर के पवेलियन जो रस्त ॾेखार। मोहम्मद रिजवान 29 रनसू ठाए नाहीद के बाल से कैच आउट थी वो। खुरम शहजाद 12 मोहम्मद अली 2 रनसू ठाए मेहदी हसन जो शिकार थे।